हाय गाइस, मैं हूँ शाइनी दोषी और आप देख रहे हैं फीफा फूस। शाइनी, वेलकम टू फीफा फूस। और आप आई हैं इस इवेंट पर ऑन योर फीट। कैसा फील हो रहा है जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और आप यहाँ तक पहुँची हैं? आपने कितना, आप जब, कब आपको लगा कि यस आई हैव स्टैंड ऑन माई फीट? एक्चुअली आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे, बट दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द जर्नी दैट आई हैव कम सो फार। मुझे कहीं ना कहीं मेरी जर्नी से आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे ये चीज़ कब फील हुई थी कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, जब मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था एंड वी कुडंट अफोर्ड माई कॉलेज फीस, एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट एंड दैट हिट मी रियली हार्ड, वेर आई हैड टू थिंक अबाउट इट के नो आई यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट ऑन योर ओन शाइनी। एंड एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वर लेफ्ट ऑन आर ओन, वी हैड टू मेक इट, लाइक वी डिडंट हैव सिचुएशन जहाँ पे हमें लाइफ में ऑप्शन नहीं दिया गया था, वी हैड टू डू इट बाय आर सेल्फ, वी वर ऑन आर ओन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे यू नो ये सारे वाई और व्हाट्स के जवाब नहीं थे। उस टाइम पे बस एक गोल दिख रहा था कि यहाँ पर पहुँचना है, ये करना है और यहाँ तक आना है, और बस वही पैशन जिंदगी में आप कैरी कीजिए और देखिए यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। एग्जैक्टली शाइनी, जैसे आपने सपनों की उड़ान की बात की, तो आपके सपनों की उड़ान के लिए जो पंख आपको मिले वो उसमें कौन से वुमन का सबसे ज़्यादा? माय मदर। See, she's always been a housewife. Aisa nahi hai ki my mother could help us financially because of a lot of other reasons. But kahin na kahin, you know, she really gave me that strength. She always stood like a rock next to me. Jahan maine socha ki mummy mujhe ye step lena hai aage. So without thinking of the society, without thinking of other people, ke acha ye actress banna chahti hai, acha ye industry mein jana chahti hai, without even you know giving a year to ke log kya bolenge, kya soch rahe hain, she just told me ke tumhe apne aap mein vishwas hai, tum jao aage, main tumhare sath khadi hu. So that itself gave me a lot of strength. मैं जब बॉम्बे आई थी तब वो मेरे साथ यहाँ पर रही हैं। मुझे याद है कि जितने ऑडिशंस में मैं गई हूँ वो मेरे साथ साथ चली हैं। शी स्टूड देयर, शी हैज़ टॉट मी एक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई कुडंट इवन अफोर्ड अ कॉलेज फीस, फॉरगेट अबाउट गोइंग टू एन एक्टिंग स्कूल एंड लर्निंग एक्टिंग। सो शी काइंड ऑफ हैड दैट फेथ इन मी। मुझे अपने में शायद उस टाइम पर इतना विश्वास नहीं था, बट she was somebody who really backed me up that time. Agar meri mamma ne mujhe shayad ye direction nahi dikhaya hota to shayad aaj yahan nahi hoti. सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, व्हाट डू यू वांट। आप आपको एक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, देर आर सो मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वुमेन कैन वर्क विद इन नाउ, यू नो। सो कभी ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, आप क्या चाहते हो ये सोचो एंड देन जस्ट बी वेरी फोकस्ड, ट्राई एंड वर्क फॉर इट, बिकॉज सिर्फ सोचने से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू, योर एक्शंस स्पीक लाउडर, सो यू हैव टू एक्ट फॉर इट। थैंक यू सो मच गाइज, हम टॉप फोर में आ गए हैं और आप सब की मेहरबानी से द शो इज़ डूइंग वेरी गुड। कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग पांड्या स्टोर एंड थैंक यू सो मच। ओके, वी आर योर फॉर मोहा, स्टैंड ऑन योर फीट, वी आर नॉट गोना टॉक टू मच अबाउट बिग बॉस, बट या निमृत, बिकॉज आई फाइंड अर वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। मुझे लगता है कि वो जितने मुद्दों पर बात करती है बहुत सेंसिबल बात करती है। ओके, थैंक यू।